उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही पुष्कर में चुनावी सभा में पहुंचे तो उपस्थित भीड़ ने बुलडोजर बाबा के नाम से नारे लगाने शुरू कर दिया। जब तक वह मंच पर नहीं पहुंचे, भीड़ नारे लगाती रही। योगी आदित्यनाथ ने पुष्कर के गुजर भवन में भाजपा के प्रत्याशी सुरेश सिंह रावत के पक्ष में चुनावी सभा कर उनके लिए वोट मांगे। चुनावी सभा के पूर्व योगी आदित्यनाथ ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लिया। देखिए एक संपूर्ण खबर ब्रह्म पुष्कर न्यूज पर। योगी आदित्यनाथ ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की जमकर तारीफ की और उनकी योजनाओं के बारे में भी उपस्थित भीड़ को बताया। मंच पर उनका भाजपा प्रत्याशी सुरेश सिंह रावत, देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, पुष्कर के पालिका अध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि, पूर्व पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, अरुण वैष्णव, पुष्क नारायण भाटी सहित भाजपा नेताओं ने बड़ी माला पहनाकर स्वागत किया। को प्रभावी ढंग से भी लागू किया जा रहा है। आपने देखा होगा मोदी जी ने जो काम कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, मोदी जी ने 9 वर्ष में कर दिया। 10-12 करोड़ गरीबों को शौचालय, 4 करोड़ गरीब परिवारों को आवास की सुविधा, 4 करोड़ गरीब परिवारों के लिए बिजली, 10 करोड़ गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर, और यही नहीं हर नागरिक के लिए फ्री में वैक्सीन की सुविधा, कोरोना जैसी महामारी में बचाव के लिए 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा। ये काम कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। कांग्रेस के लोगों को तो अवसर जब मिलता है तो सत्ता को ऐसा नोचते हैं जैसे न जाने कब से भूखे हो। और माफिया, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, तुष्टीकरण, ये सब कांग्रेस की प्रवृत्ति है। भाइयों बहनों, कांग्रेस आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकती। क्या कांग्रेस रहती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाता? क्या कांग्रेस रहती तो भाइयों बहनों इन गरीबों के मकान बन पाते? कांग्रेस रहती तो क्या यहां पर जो पवित्र सरोवर का पुनरोद्धार का कार्य वसुंधरा राजे जी की भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय पूरा हुआ था, क्या वह कार्य कांग्रेस कर पाती? इनको तो अवसर बार बार मिला था, वे नहीं कर पाए। बीजेपी को अवसर मिला, बीजेपी ने करके दिखा दिया। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास और समृद्धि भारतीय जनता पार्टी लाएगी। आस्था का सम्मान बीजेपी करेगी, आतंकवाद को नेस्तनाबूद भारतीय जनता पार्टी करेगी, तुष्टीकरण की नीति को भी भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया। आप याद करिए, अगर बीजेपी होती तो क्या कन्हैया लाल की निर्मम हत्या होती? क्या गला रेन की हत्या होती? क्या आप देख रहे होंगे यहां माफिया पनप रहे हैं और यूपी में माफिया की छाती में बुलडोजर चढ़ रहे हैं? देख रहे हैं ना, यूपी तो बदनाम था ना। उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की है, बड़े बड़े माफिया थे, अजगर जैसे माफिया थे, लेकिन आज सब गायब हो गए, एकदम गायब हो गए। आज वहां बहन बेटियों की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, किसी गरीब की संपत्ति को कोई हड़प नहीं सकता, किसी व्यापारी को कोई उनसे फिरौती नहीं मांग सकता। और भाइयों बहनों, राह चलते हुए किसी राहगीर पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता। उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, तो रामराज्य आ गया है भाइयों बहनों। और राजस्थान तो हमारी भक्ति और शक्ति की केंद्र भूमि है। मध्य काल में देश जब गुलामी के आगोश में था, राजस्थान लड़ता रहा।
और भाइयों बहनों मैं फिर आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। लोग कहते थे ना कांग्रेस के लोगों को संदेह था कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाएगा, इसीलिए कांग्रेस ने अपने शासन काल में जब केंद्र में सरकार थी तो क्या कहती थी, कहते थे राम और कृष्ण हुए ही नहीं। बताओ इससे बड़ी गाली हमें और क्या हो सकती है। हमारे आराध्य देवों के अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न खड़ा करके सत्य सनातन हिंदू धर्म को ही अपमानित किया है। भाइयों बहनों मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, हमने तब भी कहा था रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, हमारे पूज्य संतों ने तब भी आह्वान किया था रामलला हम आएंगे एक गुलामी का ढांचा जरूर हटाएंगे, वो भी हटाया ना, और आज हम कह रहे हैं और रामलला को विराजमान करने के लिए तिथि भी बताएंगे। और मैं तो पुष्कर राज तीर्थ में आया हूं आज 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। कितने लोग हैं जो अयोध्या दर्शन करने की इच्छा रखते हैं? आपका मैं अभिनंदन करता हूं कि आपने सुरेश सिंह रावत जी को 2 बार विधायक बनाया है, तीसरी बार भी भेजिए विधानसभा में, जयपुर भेजिए, भेजेंगे ना, सभी लोग सहमत हैं, सभी लोग सहमत हैं। तो भाइयों बहनों सुरेश सिंह रावत जी की जिम्मेदारी हो जाएगी कि 22 जनवरी के बाद तीर्थराज पुष्कर से भी श्रद्धालुओं को लेकर के अयोध्या धाम में पधारे, सहमत है ना, सभी लोग सहमत हैं, भारी बहुमत से राम राज्य लाने की तैयारी है ना, तो मैं आश्वस्त होकर के जाऊं। तो भाइयों बहनों आप सबसे मेरी अपील है किसी सुरेश सिंह रावत जी को भारी बहुमत से कमल चुनाव चिन्ह पर विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए वाणी को देता हूं विराम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तीर्थराज पुष्कर को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रजापिता ब्रह्मा को शीर्ष नवाते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों ये मेरा सौभाग्य है कि आज आप सबके प्यार अनुराग के कारण वर्षों बाद मुझे तीर्थराज पुष्कर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सचमुच ऐसे तीर्थों का दर्शन करके हम जैसे योगी तो जन्म और जीवन को धन्य कर लेते हैं, क्योंकि अपनी विरासत के प्रति सम्मान का भाव रखना और साथ साथ जनता जनार्दन की आस्था का ख्याल रखते हुए इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देकर के कार्य करना, इसी सेवा व्रत के साथ हम लोग सार्वजनिक जीवन में उतरे हैं। और भाइयों बहनों आज जब पूरा देश बदल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जब भारत एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह और उमंग के साथ दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रही है, तो पुष्कर और राजस्थान उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता है, यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। और रामलला को विराजमान करने के लिए तिथि भी बताएंगे, और मैं तो पुष्कर राज तीर्थ में आया हूं आज 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। कितने लोग हैं जो अयोध्या दर्शन करने की इच्छा रखते हैं? आपका मैं अभिनंदन करता हूं कि आपने सुरेश सिंह रावत जी को 2 बार विधायक बनाया है, तीसरी बार भी भेजिए विधानसभा में, जयपुर भेजिए, भेजेंगे ना, सभी लोग सहमत हैं, सभी लोग सहमत हैं। तो भाइयों बहनों सुरेश सिंह रावत जी की जिम्मेदारी हो जाएगी कि 22 जनवरी के बाद
तीर्थराज पुष्कर से भी श्रद्धालुओं को लेकर के अयोध्या धाम में पधारे हैं। सहमत है ना, सभी लोग सहमत है? भारी बहुमत से राम राज्य लाने की तैयारी है ना? तो मैं आश्वस्त होकर के जाऊं। तो भाइयों बहनों, आप सबसे मेरी अपील है, किसी सुरेश सिंह रावत जी को भारी बहुमत से कमल चुनाव चिन्ह पर विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ रहा है, दुनिया में भारत के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के सच्ची नेतृत्व में दुनिया आज कार्य करने के लिए उत्सुक है और भारत भी विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। चाहे वह अपने विरासत के सम्मान का हो, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं का हो, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हो, या फिर आस्था के सम्मान का हो, आज तेजी के साथ देश के अंदर हो रहा है। भाइयों बहनों, इतिहास केवल पढ़ने के लिए नहीं होता है, उसको अनुकरण किया जाता है। अनुकरण इस बात को लेकर के इतिहास हमें सिखाता है कि कहां पे गलती हुई और इस गलती का परिमार्जन हमें कैसे करना है। याद करिए, ये देश गुलाम था, अयोध्या ने भगवान राम के मंदिर को तोड़ करके ढांचा खड़ा कर दिया था। देश स्वतंत्र हुआ, राम भक्तों ने गुलामी के ढांचे को हटा करके जो मार्ग प्रशस्त किया, आज डबल इंजन की सरकार यूपी में आई तो राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। याद रखना, 1000 वर्ष पहले इस अजमेर में हिंदुस्तान के सबसे प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान शासन करते थे। याद रखना, उन्होंने एक विदेशी आक्रांता मोहम्मद बुखारी को 17 बार नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया था। लेकिन भाइयों बहनों, एक छोटी सी गलती ने धोखे से पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना दिया। जिस राजा ने 17 बार उस धोखेबाज को माफ किया था, उस विदेशी गद्दार को माफ किया था, उसको एक बार अवसर मिला, उसने पृथ्वीराज चौहान के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया था, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। इतिहास हमें बार बार इसके लिए कहता है। और इसीलिए जब राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मैंने कहा तीर्थराज पुष्कर में तो जरूर जाऊंगा। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। तीर्थराज पुष्कर इतिहास की गलतियों को नहीं दोहराएगी यहाँ का जनता जनार्दन। और इसीलिए भाइयों बहनों, मैं आपके बीच आया हूं। याद रखना, मोदी जी के शासन काल में विकास के कार्य भी हो रहे हैं, आस्था का सम्मान।